गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीनाथादि गुरुत्रयं गणपति पीठत्रयं भैरवं सिद्धं उपगतित्रयं परिवं ध्रुवीकरं मण्डलं वीणानश्चितिष्णुमुखं वीरावली पंचकं श्रीमन्मान मंत्रासीतं वंदे गुरुर्मुदिरं। हम आज के दिन गुरुमंडल को प्रणाम करते हैं। जो ब्रह्मांड में जितने भी गुरु हुए हैं है उन सभी को प्रणाम करते हुए आज इस क्षेत्र में जो महामाया शक्ति सिद्ध शक्ति पीठ है वहाँ हम यह दिव्य दिवस इसे गुरुपाल का सिद्धि दिवस कहा जाता है। ऐसे दिवस के दिन हम एक गुरुपालकों की पूजा कर वह सिद्धि जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है ऐसा कहा गया है। गुरु जी ने अपनी विशिष्ट दुर्लभ सिद्धिया में इस गुरुपाल का सिद्धि दिवस के बारे में यह कहा गया कि गुरु पूर्णिमा से भी श्रेष्ठ है। इस दिवस के दिन जो अपने गुरुपालकों पर नतमस्तक होकर विशेष विधि विधान के साथ उसका मंत्र और पूजन करता है वो गुरु कृपा को प्राप्त करता है। इस बारे में हमें कथानक कहा गया है कि जब प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति का उद्भव हुआ ब्रह्मा ने कहा कि मुझे सृष्टि करने के लिए कुछ सुधर नहीं रहा है मुझे क्या करना है। तब उन्होंने कहा कि तुम किसी गुरु का आश्रय ले लो तब तुम्हें तुम्हारा उसका ज्ञान होगा तुम सृष्टि की रचना कर सकोगे। तो सृष्टि की रचना करने के लिए कोई ना कोई तो शक्ति चाहिए। तब सुयशा नाम की एक दिव्य कन्या के साथ उनका विवाह हुआ और ने कहा कि सभी संसार में सभी को कोई ना कोई मार्गदर्शन मिले क्योंकि जब संसार में आता है तो उसको हर वृक्ष पानी जल फल जो भी हमारे पंच महाभूत है उन महाभूतों का ज्ञान नहीं होता जिस महाभूतों से हम बने हैं। तब प्रजापति ब्रह्मा ने भगवान शिव जी की आराधना की जो आदिगुरु कहलाए जाते हैं जिनको जिनके गुरु विष्णु है विष्णु के गुरु शिव है ऐसा कहा जाता है और इन दोनों को भी मानने वाले ब्रह्मा जी कहे गए हैं। इसीलिए हम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा ऐसा कहते हैं। तो उस प्रजापति ब्रह्मा ने कहा कि मार्गदर्शन करने वाला कोई ऐसा मुझे दिव्य पुत्र दे दो प्रभु जो आपके गणों में स्थापित हो और किसी साधना से श्रेष्ठ कहलाया जाए ऐसा उन्होंने भगवान शिव जी से प्रार्थना की। उनके बहुत हजार वर्ष के बाद जब उनकी तपस्या सफलीभूत हुई थी शिव जी ने कहा कि हाँ तुम्हें मैं ये दिव्य पुत्र को प्रदान करता हूँ वह इस गुरु परंपरा को इस संसार में रखेगा और मेरा प्रियतम होगा। उस प्रजापति को जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो धीमा धीमा बढ़ता गया तो उनके पिताजी प्रजापति ने कहा कि तेरा जन्म शिवजी को गुरु मानकर आगे चलने के लिए हुआ है शिवजी की कृपा प्राप्त करने के लिए हुआ है तो तुझे शिवजी का जप करना है। उसने शिवजी का जप आरंभ किया। जब उसका 1 करोड़ जप पूर्ण हुआ तो शिवजी प्रत्यक्ष हो गए और कहा कि बोल तुझे क्या चाहिए। तो बोले प्रभु मैं तुम्हें तुमसे आशीर्वाद मांगता हूँ कि मैं और 1 करोड़ जप करूँ। शिवजी हंसे बोले हाँ तथास्तु। फिर 1 करोड़ जप हुआ। बाद में फिर शिवजी प्रत्यक्ष हुए बोल तुझे क्या चाहिए। मैं तुझे प्रत्यक्ष हुआ। उसने कहा प्रभु मुझे और 1 करोड़ जप करने की इच्छा है लालसा है मुझे आशीर्वाद दो कि मैं और 1 करोड़ शिव जी का आपका मंत्र जप करूँ। फिर भी शिव जी ने तथास्तु कहा। जब शिवजी इसी प्रकार तथास्तु कहने लगे तो 3 करोड़ जप पूर्ण हुआ तो उसने फिर कहा कि प्रभु मैं और 1 करोड़ जप करना चाहता हूँ। तब शिव जी ने कहा अब बस हो गया क्या तू मुझे अपने में समाहित करना चाहता है मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तू मेरे साथ रह जा और मेरे गणों में तू श्रेष्ठ गण कहा जाएगा मेरे जो गणों में तेरी श्रेष्ठ पदवी होगी और यह बात कहता हूँ कि तेरी इच्छा क्या है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैं आपसे कभी बिछड़ कर नहीं ना रहा इसलिए मुझे आशीर्वाद दो कि मैं आपसे बिछड़ू नहीं।
तो शिव जी ने कहा कि तू विष्णु के नहीं रहेगा और कभी भी मेरे पास ही रहेगा, इसलिए तुझे मैं मेरे गणों में शामिल करते हुए मेरा वाहन बना रहा हूँ। और उसे नंदी कहा गया, जो आनंद हम कहते हैं उस नंदी के रूप में, उन प्रजापति उस प्रजापति के पुत्र के रूप में नंदी का आविर्भाव हुआ। और नंदी ने उसने कहा कि प्रभु आज से बताओ कि मैं आपकी सेवा किस तरह कर सकूँ। शिव जी ने उस दिन उनको कहा कि मैं तुझे मेरे पादुकाओं की पूजन, मेरे चरणों को देखते हुए तू अगर मैं बैठ सकता है तो मैं तुझे वो साधना प्रदान करता हूँ। और आदि गुरु शिव जी ने नंदी को यह साधना आज के दिन ही प्रदान की थी। इसके बाद अत्रि महर्षि के पुत्र दत्तात्रेय जी हुए। दत्तात्रेय जी महान तपस्वी थे, विष्णु के अंश थे और गुरु में गुरु आदिगुरु कहलाने के लायक थे, जो पृथ्वी पर उत्पन्न होने के बाद उन्हें आदिगुरु के रूप में भी कहा गया है। उनके जीवन में एक शिष्य हुआ जिसका नाम था कार्तिक विद्याजुन। वो कृतवीर्य का पुत्र था और अपने गुरु की इतनी सेवा मन से करता था कि उसकी सेवा से दत्तात्रेय बहुत प्रसन्न थे। कहते हैं कि वो एक बार दत्तात्रेय जी को उनके गोद में बैठे बैठे नींद लगे, गोद में सड़क कर सो रहे थे, नींद लग गई और किसी सांप ने आकर उनको काट लिया। तो उन्होंने उठ तक नहीं खा, इसलिए कि कहीं मेरे गुरु जी का नींद खराब ना हो जाए, उठ ना जाए। और वो वैसे ही बैठे रह गए, उनके शरीर में विष व्याप्त होने लगा। तो वे वैसे ही बिना रहा करते हुए वहीं खड़े रहे। ये बात दत्तात्रेय जी की समझ में आ गई और दत्तात्रेय जी उठे, बोले आज तक मैंने तेरे जैसा शिष्य नहीं देखा, आज से तुझे कोई भी विष तेरे ऊपर प्रभाव नहीं करेगा। यह बात कार्तिक विद्याजन को उन्होंने कही। कार्तिक विद्याजन ने इस के बाद उन्होंने कहा कि हे कार्तिक विद्याजन, मैं तेरे शिष्य की सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुझे सारा सामर्थ्य प्रदान करता हूँ, तो संसार में कहीं भी जा विजयी होगा। तो उन्होंने कहा प्रभु मुझे विजयी होना या कहीं पर जाने के लिए कभी मत कहो, मैं आपके चरणों को छोड़ के कहीं जाऊंगा ही नहीं, बस ये सेवा दे तो मैं आपके चरणों में नित्य निरंतर आपके चरणों की सेवा करते रहूँ और आपके चरणों की धूल का तिलक करते रहूँ और आपकी सेवा करते रहूँ, मुझे कहीं दूर जाने की बात मत करो। लेकिन दत्तात्रेय जी ने कहा कि अगर मैं एक सामर्थ्यवान शिष्य को बनाता हूँ तो इसका अर्थ यह है कि वो लोग कल्याण के लिए काम आए, तेरा यह कहना ठीक नहीं है कि तू मेरे पास ही रहेगा। उसने कहा आप कुछ भी करो, आप जो भी काम मुझे सौंपेंगे उसमें मैं मेरे गुरुचरणों से दूर नहीं हो सकूं, ऐसा आप कुछ भी मुझे आशीर्वाद दो, बाद में भी जो काम बोलना है आप दो। इससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, कार्तिक विद्याजन कौन थे। कार्तिक विद्याजन को भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र जो है वो अवतार कहा जाता है। एक बार ब्रह्मा विष्णु जी सोए हुए थे, लक्ष्मी पांव दबा रही थी, तो नारद जी जैसे ही आए और विष्णु की प्रशंसा करने लगे कि प्रभु आपने कितने राक्षसों को मारा है, कितनी श्रेष्ठता है आपकी, कितनी दिव्यता है। तो जो सुदर्शन चक्र विष्णु जी के हाथ में था उसने कहा वाह नारद महर्षि, कभी भी आते हो विष्णु जी की प्रशंसा करते हो, उन्होंने किसी को भी उन्होंने मारा है या कुछ भी किया है तो उसमें हमारा भी तो थोड़ा योगदान है, आप कभी हमारी प्रशंसा नहीं करते, आप कभी हमारे लिए तो देखा करो। जब विष्णु को लगा कि हाँ इसे गर्व हो गया कि वो चाहता है कि मेरे बिना, सुदर्शन चक्र के बिना भगवान विष्णु किसी राक्षस को मार नहीं सकते, तो नारद को विष्णु कहते हैं कि वो जो कहता है वो सच्ची है ना नारद, तो कभी सुदर्शन चक्र की प्रशंसा क्यों नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि मैं भी अन्याय कर रहा हूँ मेरे सुदर्शन चक्र के प्रति, तो हे सुदर्शन मैं तुझे संसार में जन्म लेने के लिए भेजता हूँ, कुछ वर्षों के लिए, कुछ सहस्त्र वर्षों के लिए तू जा और पृथ्वी पर राज्य कर, ऐश कर, तू जैसा चाहता है वैसा जीवन जी, मैं तुझे आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। सुदर्शन खुश हो गया कि सभी लोग भगवान विष्णु की प्रशंसा करते, मैं जब राजा होऊंगा तो मेरी भी प्रशंसा करेंगे, मैं भी राजा बन जाऊंगा। और कार्तिक विद्याजन के रूप में उन्होंने कार्तिकवीर नाम के राजा को पुत्र के रूप में पैदा हुए। और जब वो पैदा हुए तो उन्होंने दत्तात्रेय जी को गुरु मानकर सेवा आरंभ कर दी। ये एक बात।
ये कार्तिक विराजन ही जब सेवा करने लगे तो दत्तात्रेय जी उनके ऊपर प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि हे कार्तिक विराजन, तू बार बार ये कह रहा है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, लेकिन ये विधान नहीं है। मैं तुझे जब सामर्थ्यवान बनाता हूँ तो तुझे लोक कल्याण करना ही है, और उस लोक कल्याण के लिए मैं तुझे मार्ग बताता हूँ, तुझे वो करना है। उन्होंने कहा, प्रभु एक बात बताऊ कि मुझे एक दिन भी बिना आपके दर्शन से नहीं रहा नहीं रह सकता हूँ, तो मैं ये आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। हर दिन आपका दर्शन मुझे होना ही चाहिए, इसके बारे में बताओ। तब प्रथम बात भगवान दत्तात्रेय जी ने कहा कि ये ले, यही मेरी पादुका है जो हर जगह घूमती है, इन पादुकाओं को मैं तुझे प्रदान कर रहा हूँ, और उनमें 16 कलाएं रखकर मैं इन पादुकाओं को तुझे देता हूँ। जिस दिन सुबह रोज मैं जो मंत्र बोलता हूँ 11 बार बोलकर भी इस पादुका को सिद्ध करके मेरे राज्य में स्थापन करूंगा, और जब इसके ऊपर सर रखेगा मेरा दर्शन तुझे होगा, नित्य तुझे दर्शन होगा। जो इस गुरु पादुकाओं को विशेष सिद्धि के साथ अपने घर में स्थापन करते हैं उनके उनको दर्शन दूंगा। ऐसा दत्तात्रेय जी ने कार्तिकीय को आशीर्वाद दिया। वह दिन आज का दिन है शुद्ध शुक्ल पक्ष की द्वितीया, यही बात बोली करते हैं। और उनको कहते हैं, उन्होंने कहा कि सारे संसार के तीर्थ जाकर समुद्र में मिलते हैं, जैसे गंगा यमुना अंग्रेज सारी चीजें जाकर सागर में मिलती हैं, और वो सागर सारे तीर्थों का समाया हुआ सागर गुरु के चरणों के दाहिने अंगूठे में निवास करता है, इसलिए सारे तीर्थ गुरु के चरणों के दक्षिण अंगूठे में रहते हैं। और जो उस के तीर्थों का उनके दक्षिण अंगूठे का तीर्थ ग्रहण करता है और सारे तीर्थों का प्रसाद सारे तीर्थों का पुण्य प्राप्त करता है। यह बात दत्तात्रेय जी कार्तिक विराजन को समझा रहे थे, और कार्तिक विराजन को इसी दिन उन्होंने पादुकाओं की पूजा किस तरह करनी चाहिए और अपने गुरु को किस तरह घर में स्थापन करना चाहिए, स्थापन करने के बाद उसकी पूजा करने के बाद रोज हम अगर एक माला मंत्र जप करते हैं तो हमारे घर में गुरु का निवास हो, और गुरु हमें हर क्षण जब भी हम प्रार्थना करें हमारी रक्षा करें, इस विधान को उन्होंने उनको समझाया। और कार्तिक विराजन जी ने कहा, प्रभु पहले आप गुरु हैं, मैं उस पादुका सिद्धि दिवस का आज पादुका के दिन मैं उस पूजन को करता हूँ। और भगवान दत्तात्रेय ने उस दिन कार्तिक विराजन को पूजन करवाया, जो से पादुकाओं की सिद्धि प्रदान करने वाला, जिन पादुकाओं को आज के दिन कोई भी सिद्ध करके अपने घर में स्थापन करता है उसके घर में गुरु का वास होता है, और जो गुरु के चरणों में नमस्कार करता है, गुरु के चरणों में एक विशेष मंत्र से उसको नमस्कार करता है, उसके घर में जब गुरु पादुका हो और गुरु प्रत्यक्ष हो तो उसके घर में किस प्रकार की कमी होती है, चाहे वो दशमाविद्या साधना करो या किसी भी साधना करो, गुरु का उसके ऊपर गुरु की कृपा होती होती। मैं आज आपके सामने जो बैठा हूँ अपने आप को गुरु तो नहीं कहता, मैं प्रभुपुंज सदगुरुदेव स्वामी विश्लेषण जी प्रभुपुंज सदगुरुदेव जी के का शिष्य हूँ, पर शिष्य के रूप में प्रभुपुंज सदगुरुदेव जी ने मुझे उनकी स्वयं की पादुका पानीपत के गुरु पूर्णिमा में मुझे दी थी, और आज 30 साल से मैं गुरु पद का सिद्धि दिवस मनाता हूँ निखिल चेतना केंद्र में। आपके सामने जो बैठा हुआ हूँ उन वो पादुकाएं मेरे घर में आज भी प्रतिष्ठित है। गुरु जी ने कहा था कि इन पादुकाओं को तो सर पर रख के हैदराबाद जाना, और तू इस पादुकाओं को घर में स्थापित करना। जिस दिन से गुरु पादुकाओं को घर में स्थापित किया हूँ आज तुम्हें कहता हूँ, आज निखिल चेतना केंद्र की स्थापना हुई। मेरा केवल निखिल चेतना केंद्र की स्थापना करने का उद्देश्य नहीं था कि मैं गुरु बनूँ, मेरा उद्देश्य यह था कि वह गरीब साधक, क्योंकि मैं भी एक गरीब परिवार से आया हूँ और घर में छोटे छोटे घर में हमें साधनाएं संपन्न करना होता नहीं, तब साधक को एक ऐसी जगह चाहिए। आज हम जंगल में जाते हैं तो लोग तांत्रिक नाम से बुलाते हैं, हम कहीं नदी के किनारे करते हैं तो ये मांत्रिक है कहते हैं, मंदिर में जाके बैठते हैं तो मंदिर में हकार देते हैं कि मंदिर का समय हो गया अब चले जाओ, घर में साधना करते हैं तो बच्चे पति पत्नी भाई पिता माता उनका भी विरोध चलते रहता है, वो साधना ठीक तरीके से कर ही नहीं सकता, तब उसके लिए कोई ना कोई ऐसा स्थल हो जो वहाँ साधना कर सके, उसको किसी प्रकार की अड़चन ना हो, ऐसा स्थल होना चाहिए। इसलिए मैंने गुरु चरणों में प्रार्थना की थी जब गुरु जी हैदराबाद आए कि गुरु जी मैं एक साधना स्थल मांगना चाहता हूँ जिसमें कोई भी साधक किसी प्रकार की भी साधना कर सके, ऐसा साधना स्थल हो, और गुरु जी ने मुझे आशीर्वाद प्रदान किया था, उसी का प्रतिरूप है जो आपने निखिल चेतना केंद्र की स्थापना की। वहाँ कोई भी साधक कभी भी किसी प्रकार की, आप एक ही बार निखिल चेतना केंद्र में प्रवेश कर गए आपको खाने पीने रहने की कोई चिंता नहीं, केवल आप आकर साधना कर लेकर जा सकते हैं।
चाहे 5 दिन हो, 10 दिन हो, 1 महीना हो, साल हो, आप साधना करके ऐसे जो साधक है, साधना के लिए ही मैंने नीति चेतना केंद्र की स्थापना की है, या गुरु बनने के लिए नहीं, ना कोई गुरुपद प्राप्त करने के लिए नहीं। इस उद्देश्य से स्थापना करते हुए मैंने ये गुरु बालिकाओं की पूजा की है। उसके बाद मैंने दशमांग ज्ञान की साधना की, बहुत सारी साधनाएं सब करके आज भी करता हूँ। और मैं आपको इतना जरूर वादा करता हूँ कि उन बालिकाओं की पूजन से जब बालिकाओं पर मैं ऐसा रखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि साक्षात गुरु मेरे सामने खड़े हुए हैं। और मैं गुरु से आशीर्वाद मांगता हूँ कि जितने भी लोग आश्रम आए, आश्रम को आते हैं या आते हैं, उनकी इच्छाएं पूर्ण करो प्रभु। वो किस साधना के ये यहाँ आते हैं या जो साधना करना चाहते हैं, उनकी साधनाओं की, उनको साधनाओं की सिद्धि प्रदान करो। कम से कम उनके जीवन में ऐसा तो कार्य करो कि उनके जीवन में कोई दुख ना हो। मैंने आज भी आपको ये बात कहता हूँ, निश्चित चेतना केंद्र स्थापित करके आज 22-23 साल हो गए। 23 सालों में भी गुरु जी की कृपा से सब साधक आए। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई बहुत ही बीमार हो गया, बहुत ही कारण किसी कारणवश उसने अपने प्राण त्याग दिए या कुछ ऐसा हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। आखिरी कल की अमावस्या के दिन जो ग्रहण की साधना हुई थी, उस साधना में अचानक किसी को न पहचानते हुए, रात की उस दिन अमावस्या थी, सूर्य ग्रहण था, और एक लड़का जो मुझसे बहुत प्रेम करता था, वो परिवार भी मुझसे बहुत प्रेम करता था, वो पानी में डूबकर चला गया। मैंने गुरु से प्रार्थना की, प्रभु ये क्या हुआ? तो उसने कहा, गुरु जी ने कहा कि वह चाहता था कि मैं गुरु चरणों में अपने प्राण की त्यागूं, क्योंकि उसके घर में हर दिन पिता से झगड़ा होता था। बाद में हम काम ऐसा हुआ कि गुरु कृपा से उस सारी चीज़ों को हुआ। मैं आज तक 22 साल में भी कहता हूँ, केवल जितने भी साधक आए, कोई ऐसा साधक होते हुए नहीं गया कि मैं बीमार हो गया, मुझे कुछ अच्छा नहीं हुआ, ऐसा कहकर कोई साधक आज तक नहीं गया। और यह केवल गुरु कृपा है। हम घर में बैठते हैं तो कि चिंताग्रस्त हो जाते हैं, हम घर में बैठते हैं तो हमारे से वहाँ आने के बाद सारे लोग चिंताएँ छोड़ते हैं। और आज 22 साल में गुरु जी को, गुरु के बारे में मैं कहता हूँ, जहाँ गुरु बालिका स्थापन हुई, एक दिन भी ऐसा नहीं गया होगा जहाँ गुरु मंत्र रोज नित्य ना होता हो। कम से कम कुछ भी हो 50-51 माला गुरु मंत्र जब नित्य गुरु निधि चेतना केंद्र में होता ही है, और वो गुरु मंत्र ही आज निधि चेतना केंद्र को चला रहा है। नित्य वहाँ साधक आकर अपने अपने हिसाब से 10 हो 15 हो, कोई 51 माला करता है, कोई 100 माला करता है, कोई 1000 माला करता है, और वह गुरु मंत्र निधि चेतना केंद्र को चैतन्यवान बनाए हुए हैं। और इसका इसकी महिमा केवल गुरु पादुकाओं से गुरु कृपा से प्राप्त होती है। जिस घर में गुरु पादुकाएं स्थापित हुई, आज के दिन सिद्ध करके जिसने अपने घर में गुरु पादुकाओं की स्थापना किया, वही संसार में अपने गुरु को घर में स्थापित करने वाला कहलाएगा। क्योंकि हम साक्षात शरीर गुरु को स्थापित करके हम नहीं देख सकते, लेकिन गुरु पादुकाओं को जैसे भगवान दत्तात्रेय ने कहा था, वैसे ही हम अपने गुरु पादुकाओं को घर में रखकर गुरु जी का साक्षात अनुभव हमारे घर में कर सकते हैं। यह पहले दिन मार्गशीर्ष शुक्ल द्वितीया के दिन भगवान दत्तात्रेय ने अपनी पादुकाओं को देकर कार्तिकेय जी को गुरु पादुकाओं का महत्व बतलाया था, और कहा था कि जो इस मंत्र को आज के दिन करके गुरु पादुकाओं का स्थापन करता है, उसके जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं होती। और वह जो भी साधना करता है उसमें सारी अनुकूलताएं प्राप्त होती है। जिसके घर में गुरु पादुकाएं हैं, हम देखते हैं हर एक के घर में, मेरे पास बहुत समस्याओं को लेकर लोग आते हैं, गुरु जी हमारे घर में पत्नी भाग नहीं सुनती, पत्नी छोड़ दी जाती है, पति पिता है, घर में बच्चा नहीं सुनता, बच्चों को नौकरी नहीं लगी, धन नहीं, अभाव है, वो है। लेकिन ये सबके होते हुए भी अगर एक संसार सुखमय हो, प्रेममय हो, पति पत्नी प्रेम के साथ रहते हो, बच्चे प्रेम के साथ घर में आने के बाद उसे घर में रहने की इच्छा हो, ऐसा तभी हो सकता है जिस घर में गुरु पादुकाएं स्थापित हो। आज मेरा घर भी है, मेरा घर में मैं 6 भाइयों के साथ, उनकी पत्नियाँ बच्चों के साथ मैं रहता हूँ। और मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ, उन गुरु पादुकाओं की स्थापना के बाद मेरे घर से कोई ऐसा दुखी व्यक्ति कहीं नहीं रहता, हम सब आनंद के साथ रहते हैं। और ये कई बड़ी महिमा है तो गुरु पादुकाओं की महिमा है। और जिस गुरु पादुकाओं के कारण मैंने घर स्थापित किया, हमारे घर में मन मुटाव नहीं होता, होता ही तक्षण घर के लिए होता है, लेकिन फिर सब लोग मिलकर आनंद के साथ खाना खाते हैं, आनंद के साथ रहते हैं। और यह गुरु पादुकाओं की श्रेष्ठता है। आज इस महामाया मंदिर के क्षेत्र में हम आए, इस क्षेत्र की यहाँ शिविर करने की का श्रेय मैं दिनेश दीवान को देता हूँ।
जो अपने बलबूते पर, मैंने उनको एक बार कहते कहते कहा था शिविर करना है तो अपने बलबूते पर करो, किसी के पर आधारित होकर मत करो। और उन्होंने आज ये इतिहास रचा है जो उनको अपने बलबूते पर उनको शिविर किया है, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ और मैं आशीर्वाद देता हूँ ऐसे भी शिविर और भी करें और उनको इससे भी ज़्यादा धन ऐश्वर्य आरोग्य उनके सारे परिवार को, उनके भाई बंधुओं को, माता पिता को, ये सारी चीज़ें प्राप्त हो। उनका यह कार्य उनके परिवार जनों को जो भी उनको इसमें सहायता किए उन सभी को भी यह महामाया का क्षेत्र उन्हें महामाया उन पर कृपा करें। मैं यहाँ के बहुत सारे साधकों को, यहाँ बहुत सारे लोगों को, इवन दीवान को भी पूछा कि ये महामाया के क्षेत्र की महिमा क्या है, तो सभी लोगों ने यही कह के सुनाया मेरे को कि गुरुजी महामाया ही यहाँ का राजा था, उस राजा के सपने में आई और वो जंगल में थी और महामाया ने उनको कहा कि मेरा मंदिर बनवा, मैं यहाँ हूँ। और राजा ने उस महामाया के विग्रह को बाहर निकाला और यह मंदिर बांध दिया। लेकिन उससे पूर्व क्या हुआ, कैसे महामाया यहाँ जमीन में आई, इसके बारे में वो बताने के लिए सभी को पूछ के देखाऊँ कि इस क्षेत्र की महिमा क्या है। तो अब आगे इस महिमा के क्षेत्र का मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ जो भागवत में और देवी भागवत में पद्म पुराण में इसके छोटी सी कहानी आती है। अम्बरीश नाम के एक राजा हुए जो आज के महाराष्ट्र वाराणसी नाम के तालुक में रहते, वहाँ राजा थे। और अम्बरीश राजा एकादशी का व्रत किया करते थे, बहुत स्ट्रिक्ट एकादशी करते थे। 12 बजने से पहले द्वादशी के दिन अपन खाना खाकर एकादशी का पूर्ण उपवास करते, भगवान विष्णु की पूजा करते हुए अपनी अपना दिनचर्या हर महीने की एकादशी किया करते थे। एक बार क्या हुआ कि अत्रि महर्षि के पुत्र दुर्वासा महर्षि उनके घर आए जब वो एकादशी का व्रत कर रहे थे। दूसरे दिन द्वादशी थी तो अपने घर में अतिथि आया है तो अतिथि को बिना भोजन के हम भोजन कर लेना ठीक नहीं है। यह जानकर दुर्वासा महामुनि ने कहा कि आज द्वादशी है, मैं तेरे घर में खाना खाऊंगा, मैं अभी तीर्थ स्थान पर जाकर संध्या वंदन आदि करते हुए मेरी रोज नित्य का अनुष्ठान करके मैं यहाँ आता हूँ, तब तक तू सब शीघ्र ही सब करके रखना, खाने की तैयारी करके रखना, मैं खाना खाने के लिए आता हूँ। आप बिचारे अम्बरीश महर्षि जो एकादशी के उत्तम व्रति थे, और एकादशी में कहा जाता है कि द्वादशी के दिन मध्याह्न 12 बजे से पहले कुछ न कुछ खा लेना चाहिए, तभी एकादशी का फल मिलता है। अब देख यह रहे थे कि 12 बजने को आ रहे हैं, एक 10 पल का समय है और दुर्वासा महामुनि नहीं आए। अतिथि की बिना पूजा के अगर हम खाना खाते हैं तो वो पाप लगता है, और अतिथि का अब नहीं पूजा करते हैं तो द्वादशी जाती एकादशी का फल चले जाता है, अब क्या करें। तो उन्हें उस 5 से 10 पल थे तो उसमें उन्होंने ठीक है खाना खाया या न खाया इसके लिए कुछ ये नहीं होता, आज तुलसी के पान पर पत्ता रखकर पानी पी लेता हूँ, जो द्वादशी छोड़ने का भी व्रत होता है वैसे ही वैसे द्वादशी करने का भी व्रत होता है। तो उन्होंने जैसा ही तुलसी का पानी डाला और पानी पिए दुर्वासा महामुनि आए, बोले तो क्या कर रहा है। उसने कहा स्वामी जी 12 बज रहे थे और द्वादशी आपको पता है, अगर उससे पहले द्वादशी छोड़ देते द्वादशी चली जाएगी, इसलिए केवल जल पिया हूँ। तो अतिथि के रहने के बाद, मेरे आने के बाद भी तूने ये बात कही कि तू द्वादशी छोड़ता है तो अतिथि का तिरस्कार करता है, मैं तुझे श्राप देता हूँ। डर गए अम्बरीश महामुनि, उन्होंने कहा कि प्रभु ये क्या हुआ, मैं तो केवल पानी ही पी रहा था, उन्होंने ऐसा क्या किया कि मेरे ऊपर श्राप देने के लिए भागते हुए आए। और दुर्वासा ने कहा आज देखता हूँ तुझे कौन रक्षा करता है, और उन्होंने अपने बल से महामाया का आह्वान किया और उनको उनके ऊपर छोड़ दिया। अम्बरीश की देख तेरा सब कुछ नाश हो जाएगा। अम्बरीश ऋषि अपने भगवान विष्णु को स्मरण करते हुए भाग रहे थे और वो महामाया उनके पीछे पीछे आ रही थी, लेकिन भगवान विष्णु जैसे ही सामने आए और अम्बरीश को भागते हुए देखे तो उन्होंने अम्बरीश को भागते रुक जाते, और विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़कर कहा महामाया पीछे आ रही थी उसने देखा। तब सुदर्शन चक्र पूछते हैं हे माँ तुम बताओ, दुर्वासा महामुनि ने तो श्राप दे दिया और तुम उसके पीछे अम्बरीश के पीछे, उसकी गलती क्या था, क्या द्वादशी का व्रत तोड़ना पानी पीना गलत है, क्या तुम उसे मारने जाओगे।
दुर्वासा का शाप ठीक है, तो महामाया विचार में पड़ गई। उन्होंने कहा उसने जो छुड़ाया मुझे क्या करना है, तो यहाँ जो जंगल है वृक्ष है तुम तुम्हारा प्रताप उस पर बता दो, मैं दुर्वासा को देख लेता हूँ। तब महामाया ने कहा कि हाँ मैं इस जंगल को पूर्ण जलाकर मैं यहाँ स्थापित हो जाता हूँ, और भूमि स्थापित हो गई और वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा महामुनि के पीछे पड़ा। दुर्वासा महामुनि भागते भागते गए सारी जगह, कहीं भी गए उनको कोई शाप का विमोचन नहीं मिला। तब विष्णु ने कहा कि तुझे अगर शाप विमोचन करना है तो अम्बरीश राजा के पास ही जाना होगा। दुर्वासा महामुनि भागते हुए अम्बरीश महाराज के पास आए और कहा मुझे गलती होगी, मेरी क्षमा कर दो, तू सुदर्शन चक्र को लोगी तो वो मुझे जला देगा, वो मुझे खत्म कर देगा। अम्बरीश ने प्रार्थना की, महाराज आप मेरे अतिथि हैं, मैं सिर्फ भगवान विष्णु से एकादशी का व्रत के लिए मांग रहा था, मुझे आपको मारने की कोई इच्छा नहीं है। उन्होंने भगवान विष्णु की प्रार्थना की और कहा कि हे सुदर्शन चक्र आप मेरे लिए महर्षि दुर्वासा को छोड़ दो। और महर्षि दुर्वासा सुदर्शन चक्र वहीं जल का कुंड निर्माण हुआ और उसमें जल में सुदर्शन चक्र स्थापित है। आज भी अगर कभी आप वाराणसी जाते हैं तो वहाँ भगवान भगवंत विष्णु का मंदिर है और सुदर्शन चक्र पानी में आज भी घूमते रहता है उस जल में। तो वह जो महामाया शक्ति थी जिसने जो दुर्वासा महामुनि ने छोड़ी थी वह आज इस जंगल में यहाँ जो भूमि में स्थापित होती। जब तक महामाया का मंदिर जमीन में था यहाँ की स्त्रियों पर बलात्कार आक्रांताओं का बहुत ही उनके पुरुषों पर बहुत प्रकार का आक्रमण था, उनको मार देते थे और यहाँ की स्त्रियाँ सती जाती थी। बहुत सारी स्त्रियाँ सती जाती लगने लगी तो यहाँ के राजा जो रत्नपुर के थे उन्होंने प्रार्थना की कि माँ ये कब इन स्त्रियों का यह जो कष्ट पहुँचा रहे हैं, ये जो सती जा रही है इनकी रक्षा कैसे होगी। तब महामाया ने कहा कि मैं यहाँ भूमि में स्थापित हूँ, अगर तू ऊपर निकालता है तो इसके बाद कोई स्त्री सती नहीं जाएगी और मुझे मैं तेरी शक्ति बनकर उभरूंगी, तू यहाँ मेरे से बाहर निकाल और मेरा मंदिर मान। इस प्रकार महामाया जो उस समय दुर्वासा महामुनि की छुड़ी हुई थी उस भूमि में थी और उस राजा ने उस महामाया के मंदिर को उत्थान किया, उन्होंने देखा और यहाँ महामाया मंदिर की स्थापना हुई। उस महामाया मंदिर की स्थापना होने के बाद जैसे देवी भागवत में कहा गया है वह तीनों शक्तियों से संपन्न थे, महालक्ष्मी महासरस्वती और महाकाली। आज आप देखते हैं महालक्ष्मी महासरस्वती और भद्रकाली के रूप में यहाँ तीनों शक्तियों में महामाया के रूप में यहाँ स्थापित हैं और इनकी आराधना सब लोग यहाँ के लोग जितने भी लोग हैं वह दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए या नवार्य मंत्र करते हुए इसकी पूजा करते हैं। लेकिन क्या महामाया मंत्र का ऐसी दुर्गा समाज ने जो महामाया को छोड़ा था क्या वो नवार्य मंत्र था, क्या महामाया की स्थापना की थी वो कौन सा मंत्र था जिसके कारण आज छत्तीसगढ़ की यह महामाया मंदिर दिव्यता के साथ है और यहाँ ऐसा कौन सा यंत्र है जिसको जिससे महामाया प्रसन्न हो सकती है। छत्तीसगढ़ के राजा को भी यह बात आई तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि यह सब कैसा होगा। तब उन्होंने कहा कि देवी भागवत में या अपने महाभारत मद्भागवत भागवत में कहा गया है कि जब कृष्ण मथुरा में रहकर जरासंधादि राक्षसों के साथ बहुत परेशान हो गए थे, वो लोग रोज रात में माया से आकर मारते थे, तो बलराम और श्री कृष्ण ने प्रार्थना की कि ये सब कैसा होगा, मेरे राज्य में अकारण हमारे दोनों के कारण यहाँ की जनता मर गई। तब उन्होंने महामाया की प्रार्थना की, तब महामाया ने कहा कृष्ण मैं यहाँ जमीन में गड़ी हुई हूँ, तू अगर छत्तीसगढ़ के यहाँ तू इस कलयुग में जगन्नाथ रूप में जब लेगा जगन्नाथ रूप में अवतार करेगा तब अगर तू यहाँ आता है तो मैं यहाँ तुझे उस सिद्धि को प्रदान करती हूँ जो सिद्धि प्रदान की है। तब श्री कृष्ण भगवान ने महामाया की स्थापना महामाया की और अपने गुरु सांदीपनी महामुनि जो अमरकंटक के पास जिनका आश्रम है, कृष्ण के गुरु सांदीपनी महामुनि है जिनका आश्रम अमरकंटक के पास है, उस सांदीपनी महामुनि को उन्होंने पूछा कि इस महामाया क्षेत्र को किस प्रकार करने से एक उज्ज्वलता श्रेष्ठता आएगी। तब श्री कृष्ण ने कहा यह बहुत रहस्य की बात है, किसी को बताना नहीं, जो महामाया का यंत्र यहाँ के लोग उस महामाया के विशिष्ट मंत्र के साथ पूजा करते हैं या जो स्त्री पूजा करती हैं वह सौभाग्यवती ही जाएगी, उसको कभी असौभाग्य या वैधव्य नहीं प्राप्त होगा और उसके साथ उसका पति सुख के साथ जीवन करेगा, उसका धर्म से सारे सुख प्रदान होंगे। तब कृष्ण ने महामाया का आह्वान किया और कहा महामाया
मैं चाहता हूँ कि मथुरा के लोग ये जरासंध आदि राक्षसों के साथ रोज पीड़ा प्राप्त करते हैं और हमारे कारण इनको पीड़ा होती है, आप कुछ न कुछ करके इनकी रक्षा करो। तब महामाया ने कहा, मैं तुझे यंत्र देती हूँ, उस यंत्र से और तू उस मंत्र का तू एक दिन रात में तू और बलराम दोनों जप करो, मैं तुम्हारे सभी लोगों की रक्षा करूंगा। कृष्ण और बलराम जी ने उस यंत्र को रखकर महामाया का मंत्र किया। महामाया का मंत्र करने के बाद उन्होंने महामाया से प्रार्थना की कि माँ हमारी रक्षा करो। तो मैं नाम का एक राक्षस था, जो राक्षसों का शिल्पकार कहे से हम विश्वकर्मा कहते हैं, देवताओं के शिल्पकार है, वैसे राक्षसों में भी शिल्पकार था जिसका नाम था मैं। माँ महामाया ने मैं से कहा कि मेरा कृष्ण मेरी भक्ति कर रहा है, वो महामाया का मंत्र जप कर रहा है, उसकी यंत्र की स्थापना है, उसके पास से वो यंत्र लेकर तू आकाश में उड़ जा और जहाँ कृष्ण के लिए एक ऐसा गांव बसा दे, ऐसा शहर बसा दे, ऐसा नगर बसा दे जहाँ कोई राक्षस आ नहीं सकता, जहाँ मेरा यंत्र है वहाँ राक्षस का प्रवेश नहीं हो सकता, ऐसी जगह तू बसा दे। उस मैं ने उस श्री कृष्ण और बलराम की स्थापना की, उस यंत्र को हाथ में लिया और वे जैसे ही आकाश में उड़े उन्होंने वहां से देखा कि द्वारका ही एक ऐसी चीज है जो समुद्र से घिरी हुई है और समुद्र के बीच किले में उन्होंने द्वारकाधीश का उस शहर उस नगर को स्थापना किया। एक ही रात में स्थापना किया। तब कृष्ण जब प्रार्थना कर रहे थे तो महामाया ने कहा, हे कृष्ण तू बोल कि तेरे शहर में, तेरे नगर में, मथुरा में जितने भी लोग हैं उन गोपिकाओं को, उन सभी को बोल कि महामाया का मंत्र कर, जो महामाया का मंत्र करेगा वह कल सुबह तक सुरक्षित हो जाएगा। सब लोगों को आश्चर्य, कैसे सुरक्षित हुआ? और उन्होंने उस रात में उस महामाया के मंत्र का उच्चारण किया और सुबह जब आंख खोल कर देखते हैं तो अरे सारे मथुरा के लोग द्वारका में थे। द्वारका कहाँ है? गुजरात में, और मथुरा कहाँ है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। उस महामाया की इतनी स्थिरता थी कि वे सुरक्षित हो गए और कृष्ण भी निश्चिंत हो गए कि अब राक्षसों का अवरोह मैं मथुरा जरासंध आदि को मैं देख लेता हूँ। और उन्होंने जरासंध आदि का कैसा मारा कि भागवत में उसकी कथाएं हैं, भीमसेन जी ने मारा है उनको, कैसा मरवाया, ये सारी बहुत बड़ी कहानियां हैं, वो बात अलग। लेकिन यह महामाया की वो श्रेष्ठता थी जिसके उपासक भगवान श्री कृष्ण भी थे और उन्होंने अपनी जनता की रक्षा की थी। तब महामाया ने कहा कि इस यंत्र की जो अपने घर में रख के पूरा करता है वह अपने गाँव का, अपने शहर का श्रेष्ठ राजा कहलाया जाएगा। जो इस मंत्र को करता है उसको राज्य पद निश्चित रूप से प्राप्त होगा। तब महामाया की इस आशीर्वाद से, उस यंत्र की कृपा से जो महामाया ने कृष्ण को दी थी, आज तक अगर मैं ठीक हूँ, मैंने अगर झूठ नहीं कहता हूँ तो यहाँ सभी आप लोग हैं, तो आप लोग बताओ कि क्या यहाँ महामाया देवी का कोई यंत्र आज तक यहाँ किसी ने दिया है या आपने लिया है, या छत्तीसगढ़ के लोग जितने भी लोग हैं, और आपको नवरत्न मंत्र को छोड़कर किसी ने महामाया का मंत्र दिया है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसे मुझे ढूंढने के लिए महामाया क्षेत्र को या इसकी महत्ता को देखने के लिए मुझे बहुत एक प्रकार से बहुत सारी पुस्तकें ढूंढने पड़ना पड़ा। जब मुझे इसका अंत हुआ, कहते हैं कि यहाँ छत्तीसगढ़ में भी जगन्नाथ जी का मंदिर है, छत्तीसगढ़ के लोग बताएं यहाँ जगन्नाथ जी का मंदिर है, तो उस जगन्नाथ जी के मंदिर के बाद यहाँ की स्थापना और महामाया के मंदिर के क्षेत्र का देवता बड़ी, और जो इस महामाया छत्तीसगढ़ लोग हों, जितने भी राजा यहाँ हुए जिन्होंने भी उस महामाया यंत्र को रहस्य के साथ अपने स्थापन किया, इसलिए छत्तीसगढ़ हो गए यहाँ और 36 राजा अपना राज्य करते हुए जीवन बिताते थे। तो उस दिव्यता को, उस यंत्र की श्रेष्ठता किसी ने किसी को नहीं बताई और वो उस मंत्र को भी किसी ने किसी को नहीं बताया। आज शुक्रवार का दिन है जो राक्षसों के गुरु शुक्र जी का वार है और आज माता की पूजा विशेष रूप से की जाती है। आज हम ऐसे ही महामाया के क्षेत्र में आए हैं और पहली बार महामाया का यंत्र और महामाया का मंत्र मैंने हम साधकों के लिए जो यहाँ आए हैं वे दिव्यता को प्राप्त करें। जो राज्य की प्राप्ति चाहते हैं, जो धन की प्राप्ति चाहते हैं, जो ऐश्वर्य चाहते हैं, उस निश्चित रूप से उस साधना को संपन्न करें और देखें कि मैं कभी अगली बार आऊँ तो आप कहें कि हमने उस साधना को किया है। प्रभु हम गरीब नहीं हैं, हम दरिद्र नहीं हैं, हम दुखी नहीं हैं, ये बात आप कहें, मैं मानता हूँ कि मैंने ये साधना और यंत्र श्रेष्ठता के साथ आपको प्रदान किया। मैं पहले गुरुपद का सिद्धि दिवस का वह आज की विशेषता थी पादुकाओं का पूजन आपके साथ संपन्न करूंगा, उसके बाद उस महामाया मंत्र को और उस महामाया यंत्र को केवल क्योंकि वह रहस्यमय है पूछने पर ही दूंगा,
जो लोग प्रार्थना करते हैं कि महामाया हम दिव्यता का जीवन चाहते हैं, हमारे घर में सुख शांति चाहते हैं, धन ऐश्वर्य चाहते हैं, हम एक प्रकार की श्रेष्ठता चाहते हैं, ऐसा प्रार्थना करते हैं, कोई लोगों को यंत्र मिलेगा महामाया का। इससे पहले हम गुरुपाद का सिद्धि दिवस है, कहते हैं कि सायं समय में ही गुरुपादुकाओं का पूजन करना चाहिए। सुबह से हम जितना भी हो सके हमारे से स्नान आदि से शुद्ध होकर आकर सफेद वस्त्र पहनकर गुरुपादुकाओं का आज पूजन कर, जो अपने घर में गुरुपादुकाओं की स्थापना करता है उसको हर वर्ष उस गुरुपादुका को इन गुरुपादुका सिद्धि दिवस के दिन जो उसी मंत्र के साथ पूजा करता है उसके घर में गुरु की स्थापना निश्चित रूप से होती ही है, ऐसा कहा गया है। अभी मैं आपको एक 15 मिनट का समय देता हूँ, जिनके पास गुरुपादुकाएं नहीं है या गुरुपादुका नहीं है वो सब ला लें और मेरे साथ गुरुपादुकाओं का पूजन संपन्न करें और अपने घर में गुरुपादुकाओं को आज के दिन द्वितीया को स्थापित करें और वो सिद्धि प्राप्त करें कि तुम्हारे घर में गुरु जी का वास है, ये आप अनुभव करें। ऐसी ही इच्छा रखता हुआ पहले गुरुपादुकाओं का मंत्र और साधना आपके साथ करवाऊंगा, मैं भी आपके साथ करूंगा। आप सभी लोगों को 15 मिनट का समय देता हूँ गुरुपादुकाओं का इंटरव्यू ला लें, तब तक मैं यहाँ तैयारी करता हूँ। पहले गुरुपादुका सिद्धि दिवस की पूजा और मंत्रोच्चारण और साधना संपन्न होगी। आप सभी लोग तब तक 5 माला गुरुमंत्र जप करें, जो कर रहे हैं 5 माला गुरुमंत्र जप करें और उसके बाद गुरुपादुकाओं को लाकर आपके सामने रखें और उन उस पादुकाओं की पूजा करें जो आपके घर में स्थापना करना चाहते हैं। मैं पुनः आशीर्वाद देता हूँ, आपने सभी लोगों ने तो गुरुमंत्र दीक्षा ली ही होगी, नहीं लिए हैं तो मैं गुरु पूजन करते समय आपको गुरुमंत्र की दीक्षा प्रदान करूँगा। आशीर्वाद देता हूँ कि आप गुरुमय हो, गुरु जी आपकी, गुरु जी का आपके घर में वास हो और आप जो भी साधना करते हैं उस साधना की श्रेष्ठता आपको प्राप्त हो। ऐसा ही हम आज के दिन यहाँ जब आप आए हैं तो इसकी विशिष्टता आप प्राप्त करें। मैं आपको अपना आशीर्वाद देता हूँ, गुरुपादुकाओं का पूजन का विधान यहाँ आपके सामने बैठ कर ही मैं संपन्न करूँगा, आप मेरे साथ संपन्न करें।